क्या बात है यार, क्या स्टंट कर रहे हैं। शाबाश शेखर, बहुत बढ़िया। कुछ कमियां थी लेकिन प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो सही हो जाएगा, ठीक है? वेरी गुड। पीयूष अब तुम्हारी बारी, आओ व्हीली करो अब तुम। देखा क्या स्टंटिंग कर रहा है ये, तुम्हें भी ऐसे करना है अब से, देख रहे हो शेखर? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मुझे भी स्टंट सीखने जैसे ही कर रहे हैं। अच्छा, तो तुम्हें पहले से कुछ स्टंट आते हैं या फिर शुरू से सीखना है तुम्हें? सर मुझे शुरू से सीखने, मैंने पहले कोई स्टंट नहीं किया। अच्छा, तो तुम्हें फिर अपनी बाइक लानी होगी और 20,000 रुपये फीस है। सर बाइक तो मेरे पास है नहीं और 20,000 तो सर मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिर एक काम करो, जब तुम्हारे पास 20,000 रुपये और तुम्हारी बाइक आ जाए ना तब आना सीखने के लिए, ठीक है? ठीक है। सर मैं 1 मिनट में आई। ओके ठीक है। हाय, तुम्हें स्टंट सीखने है ना? हाँ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। सच में? हाँ सच में। पर यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको इतने सारे पैसे स्टंट सीखने के लिए दे सकूं। अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल फ्री में सिखा दूंगी। फ्री में? पर क्यों? हर किसी की मदद करने के लिए ना कीमत लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बस तुम दुआओं में याद रखना। हाँ हाँ बिल्कुल। बस तुम कहीं से ना बाइक का जुगाड़ कर लो और कल मुझे यहीं मिलना। वो कल मेरी क्लास नहीं है ना तो मैं तुम्हें कल सिखा दूंगी। चलो मैं करता हूँ अरेंज। ठीक है मैं चलती हूँ, मेरी क्लास चल रही है। बाय, कल मिलती हूँ। भाई वो जो स्टंट वाले सर है ना, उनकी फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उनको दे सकूं। पर उनकी एक स्टूडेंट है फीमेल राइडर, उसने बोला है कि मैं आपको फ्री में स्टंट सिखाऊंगी, बस तुम बाइक का अरेंज कर लेना। ये तो अच्छा है, लेकिन वो फ्री में क्यों सिखा रही है? क्यों भाई, फ्री में स्टंट सिखाने नहीं चाहिए? नहीं अच्छी बात है, फ्री में सिखा रही है। परवर छोड़, तू मुझे ये बता, तू बाइक दे रहा है स्टंट सीखने के लिए या नहीं दे रहा? अरे हाँ भाई ले जाओ बाइक और अच्छे से खूब स्टंट सीख। चल भाई थैंक यू भाई। अरे बस ये ड्राइविंग मत कर यार, ये ले बाइक की चाबी और निकल, और मैं जा रहा हूँ। चल मैं आता हूँ तेरे पास कल शाम को, ठीक है? ठीक है भाई। अच्छा तो बताओ पहले कौन सा स्टंट सीखोगे? यार मुझे किसी भी स्टंट का नाम नहीं पता, किसको क्या कहते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो मुझे सिखा दो। तो मैं काम करती हूँ, मैं थोड़े बहुत स्टंट पहले करके दिखाती हूँ तुम्हें, जो तुम्हें अच्छा लगे मुझे बता देना। हाँ ये सही रहेगा। यार ये कहाँ चली गई यार, फैजान को क्या बोलूँगा यार। अरे यार 2-3 घंटे हो गए अभी तक नहीं आई, कहीं ये फीमेल बाइकर 420 तो नहीं निकली। क्या बात है, किसकी बाइक पे हाथ साफ कर लिया? किसी की भी बाइक पे हाथ साफ किया हो तो अपने काम से काम रखना। ठीक है चल, मैं फिलहाल अभी तो रुको, मैं ट्रांसफर कर देता हूँ इसके पैसे। अभी मेरे पास बहुत सारी बाइक है, उन्हें ठिकाने लगाने दे जब तक तो इसे चला, जब हो जाएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है तब तक मैं ये बाइक अपने पास रखती हूँ। पैसे चेक कर, ठीक है? भाई आगे स्टंट सीख कर, तुम तो बाइक लेके गए थे, बाइक कहाँ है? भाई अंदर चल, अंदर चल के बात करते हैं। भाई वो लड़की काट कर चली गई, कह रही थी स्टंट सिखाऊंगी स्टंट सिखाऊंगी, और स्टंट करते करते बाइक ही लेके चली गई। क्या मतलब, वो 420 निकली? हाँ भाई वो 420 निकली। मुझे तो पहले ही शक था उस लड़की पर, वो फ्री में स्टंट कैसे सिखा सकती है? पर तुम मेरी बात कहाँ मानते हो? अब मेरी केटीएम में चली गई और मेरे पास खटारा से स्प्लेंडर बची है, अब मैं उससे काम चलाऊंगा क्या? एक मिनट रुक, क्या हुआ? मैं लोन डबल रखे बटवाने के लिए? अरे नहीं मेरे भाई, मैं क्रिप्टो करेंसी पे पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जब यहाँ से मेरे पास रिटर्न आएंगे ना तो तुझे सीधा नई बाइक लेके दूंगा। अरे भाई किन चक्करों में पड़ रहे हो, कहीं फ्रॉड ना हो। अरे नहीं भाई, ये CoinDCX है, इंडिया का सेफेस्ट और सिंपलेस्ट क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ऐप है और इसमें सारे क्वालिटी चेक क्रिप्टोस हैं। और तो और ये ISO सर्टिफाइड ऐप है जो नेसेसरी रूल एंड रेगुलेशन इंक्लूडेड KYC AML प्रोसीडर्स को फॉलो करती है। और CoinDCX ऐप डिज़ाइन है न्यू एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स दोनों के लिए। ये क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग एंड ऑनबोर्डिंग बहुत आसान बना देता है। अच्छा तो भाई इसको यूज़ कैसे करते हैं? अरे भाई इसे यूज़ करने के लिए तू डाउनलोड कर, साइन अप कर, KYC रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर और बैंक अकाउंट लिंक कर और शुरू हो जा। और भाई इसमें तू कम से कम 100 रुपये डिपॉजिट करके क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट कर सकता है और तू 10 रुपये की क्रिप्टो खरीद सकता है। तो बहुत ईजी है भाई, और सिक्योरिटी तो अच्छी है ना इसकी? अरे भाई इसमें मल्टी सिक्योरिटी फीचर है जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और विड्रॉल पासवर्ड एक्सेट्रा। इसकी वजह से यहाँ यूजर के फंड बिल्कुल सेफ रहते हैं और आप अपने फंड्स 24/7 विड्रॉ या डिपॉजिट कर सकते हो। भाई लीगल तो है ना इंडिया में? हाँ भाई बिल्कुल लीगल है, गवर्नमेंट ने कोई बिल पास नहीं किया है इसके अगेंस्ट। और CoinDCX का फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है DCX Learn और यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के बारे में बहुत कुछ जान और समझ सकते हो। अच्छा भाई ये तो भाई बहुत अच्छी बात है, इसको मैं अभी डाउनलोड करता हूँ। हाँ भाई ज़रूर डाउनलोड कर, डिस्क्रिप्शन के लिंक से, और मेरा कूपन कोड Nizamul 100 भी ज़रूर यूज़ करियो क्योंकि तुझे वहाँ से डाउनलोड करने पर 100 रुपीज़ के बिटकॉइन भी मिलेंगे। और तो और CoinDCX ने ऑफर भी इंट्रोड्यूस किया है जिससे आप डेली 50 लाख के पुल से फ्री बिटकॉइन जीत सकते हो। तो इसलिए इन्वेस्ट करो CoinDCX पे क्योंकि फ्यूचर यही है। भाई मैं इसको अभी डाउनलोड करता हूँ। जरूर भाई। अच्छा सुनो निजामुल भाई, हम ऐसे करते हैं, उस लड़की की पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, क्या पता उसे पुलिस पकड़ ले। और वो अभी तक ज़्यादा दूर भी नहीं गई होगी। नहीं भाई उसकी पुलिस में कंप्लेंट नहीं करनी, उसको तो मैं ही पकड़ूंगा, वो भी अपने हाथों से। पर कैसे? भाई वो डेली स्टंट सीखने के लिए आती है वहीं पर और उसको वहीं पकड़ेंगे। लेकिन चलेंगे कैसे? भाई हमारे पास स्प्लेंडर है ना, निकालते हैं उसी को, उसी से पकड़ेंगे उसको। मुझे लगता है उसका टाइम आ गया, तो निकालनी पड़ेगी। आ जा। क्या आज क्लास कैंसिल हो गई है? तो मुझे पहले नहीं बता सकता था, मैं कितने देर से यहाँ वेट कर रही हूँ। भाई मैंने कहा था ना वो यहीं मिलेगी, देख ये रही सामने। अरे भाई क्या ब्यूटीफुल शो हो रही है। तो भाई ये प्यार में पड़ने का मौका नहीं है, उसको पकड़ने का मौका है। ओए 420, तुझे क्या लगता है तू ऐसे ही हमारी बाइक लेके भाग जाएगी और हम कुछ नहीं करेंगे? हाँ मुझे लगता नहीं है, मुझे यकीन है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। अगर तूने हमारी बाइक वापस नहीं करी ना तो हम पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे, इसलिए तेरी भलाई इसमें तू हमें बाइक वापस कर दे अभी की अभी। अच्छा इतना यकीन है तुम्हें? तुम्हें लगता है कि पुलिस मुझे पकड़ पाएगी? भाई जिस कॉन्फिडेंस से कह रही है ना, मुझे तो सच ही लग रहा है। मैं ना सिर्फ नजरों में आती हूँ, हाथों में नहीं। यकीन नहीं आता तो लो एक बार डेमो देख लो। भाई ये क्या तूफान की तरह निकली है? भाई सतो मैं बहुत हल्के में ले रहा था, ये तो बहुत तेज निकली। भाई जिस तरह इसने हमारी बेइज्जती की है ना, अब हमें भी इसकी ऐसी बेइज्जती करनी है। भाई पर इसको हम पकड़ेंगे कैसे? प्रैक्टिस। रेडी हो? हाँ भाई 3, 2, 1 गो। अरे भाई क्या कर रहे हो यार, दोबारा करो। क्या हुआ ब्रो, स्पीड कम थी क्या? बहुत ज्यादा कम यार, अब खड़े क्यों, दोबारा करो ना। ओके ब्रो गो। क्या यार दोबारा करो, गो दोबारा हो। करो तो आजा, दोबारा कर दो, आ जाओ दोबारा करो तो फिर से करो। दोबारा करो तो दोबारा करो तो दोबारा करो। अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, निजामुल भाई क्या कर रहे हो यार ये? अगर ऐसी स्पीड रही ना तो उसे हम कभी नहीं पकड़ पाएंगे। भाई मेरी स्पीड तो ठीक है, उसकी स्पीड कुछ ज़्यादा तेज है। एक तो वो इतनी बढ़िया बाइक राइडर, ऊपर से उसकी इतनी बढ़िया बाइक, इस बाइक से पकड़ना तो इम्पॉसिबल ही है। वो उसकी बाइक नहीं है, वो बाइक मेरी है। हाँ हाँ वही। अच्छा अगर मैं आपको दूसरी KTM दिला दूँ तो उससे तो कर लोगे ना आप? भाई इज्जत का सवाल है, बिल्कुल पकड़ लूँगा उसको मैं। अच्छा चलो मैं दूसरी KTM मंगाता हूँ। हेलो हाँ भाई तेरे वो KTM चाहिए थी मेरे को। हाँ हाँ भाई ज़रूर ले ले, बता कहाँ हूँ तेने। अच्छा अच्छा तो फिर मैं तेरे को भाई लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, तू वहाँ पर आ जा भाई। ठीक है भाई। चल भाई जब बाइक का काम हो जाए ना तो आ जाइयो देने। ओके भाई। हाँ अब तो मैंने KTM मंगवा ली है, अब तो पकड़ लोगे ना उसे? हाँ भाई इज्जत का सवाल जो है। चलो वो तो टेस्ट करके पता चल जाएगा। अच्छा आ जाओ। रेडी हो? हाँ भाई 3, 2, 1 गो। क्या बात निजामुल भाई, इस बार तो हमने टाइमिंग से पहले कर दिया। क्या सच में भाई? यस फाइनली भाई आपने कर दिखाया। भाई कैसे नहीं करता, इज्जत का सवाल है। अब तू देख उसे मैं कैसे पकड़ता हूँ। हाँ भाई समझो अब तो हमने से कल पकड़ ही लिया। बिल्कुल चल बाय। यार यहाँ ना सर दिखाई दे रहे हैं ना तुम लोग। आज फिर से मत बोलियो कि क्लास कैंसिल हो चुकी है। ठीक है मैं वेट कर रही हूँ। फिर से आ गए तुम लोग। क्या बात है, आज KTM लेके आए मुझे पकड़ने के लिए। बाइक तो तुम ले आए पर हुनर कहाँ से लाओगे मुझे पकड़ने के लिए? इस बार बाइक और हुनर दोनों साथ लेके आए, तेरे भागने का कोई चांस ही नहीं है अब। ठीक है तो देखते हो तुम्हारा हुनर। क्या हुआ, चौंक गए हुनर देखकर? अच्छी कोशिश थी, अब देखो तुम। अब तो पकड़ लिया तुझे, अब भी मौका दे रहे तुझे। बाइक छोड़ और चली जा। बाइक तो मैं लेके ही जाऊंगी और मौका मैं तुम्हें दे रही हूँ, रास्ते से हट जाओ। बाइक तो हम ही लेके जाएंगे, इसलिए बाइक दे और अपने रास्ते चलती बन। रास्ते से तो तुम ही हटोगे, वो भी एक आवाज में। किसको आवाज लगाएगी? यहाँ दूर दूर तक तेरी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं है। जब लड़की आवाज लगाती है ना तो दूर दूर से लोग आ जाते हैं। अच्छा चल लगा आवाज। अच्छा बचाओ। कहा था ना तेरी आवाज से कोई भी नहीं आएगा। आ गए। कहाँ? पीछे। कहा था ना नजरों में आती हूँ, हाथों में नहीं। कोशिश अच्छी थी, अब निपटो इनसे। रुको 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 निजामुल भाई, हम ये आवाज लगा लेते हैं, क्या पता हमारे लिए भी कोई आ जाए। हाँ भाई बचाओ। भाई कोई नहीं आएगा बचाने, भागने में। हेलो गाइज यार इस बार वीडियो में बहुत मेहनत लगी है। प्लीज कमेंट करके आप हमें बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, और यार जब यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और हाँ गाइज CoinDCX डाउनलोड करो क्योंकि फ्यूचर यही है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लव यू ऑल।